खरगोन शहर के बिस्टान रोड पर दिन दहाड़े बीजेपी नेता और ठेकेदार अनिल गुप्ता के 3 लाख रुपए से भरी थैली पर अज्ञात बदमाश द्वारा हाथ साफ कर फरार हो गया, जो बिस्टान रोड पर अपनी बाइक पर थैली टांगकर अपने मित्र से बात कर रहे थे, तभी अज्ञात बदमाश द्वारा बाइक पर टंगी थैली लेकर फरार हो गया। घटना के बाद ठेकेदार अनिल गुप्ता द्वारा तत्काल खरगोन कोतवाली पहुंचकर घटना की जानकारी टीआई बीएल मंडलोई को दी, जिसके बाद पुलिस टीम द्वारा बिस्टान रोड सहित शहर के सभी रास्तों पर सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुट गई है। पीड़ित ठेकेदार अनिल गुप्ता ने बताया कि बिस्टान रोड पर एक व्यापारी मित्र की दुकान पर रुपयों का लेन देन कर बाहर निकला, इसी दौरान अज्ञात बदमाश द्वारा बाइक पर 3 लाख रुपए से भरी थैली गायब हो गई। सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर एक 40 वर्षीय जाता हुआ दिखाई दिया है। वहीं घटना को लेकर खरगोन कोतवाली टीआई बीएल मंडलोई का कहना है कि बिस्टान रोड पर गौरव ट्रेडर्स के सामने पैसों से भरी थैली चोरी की शिकायत दर्ज कराई है। सीसीटीवी फुटेज में एक संदेही नजर आया है, जिसकी तलाश की जा रही है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। कैसे चले गए? कुछ काम से मैं आया था वल्लभ भाई महाजन की दुकान से पैसों का को लेके, तो पैसों का जो काम होना था वहाँ हुआ नहीं और वापस पैसे लेके मैं 1.5 घंटे करीब वहाँ बैठे हुए, और 1.5 घंटे बाद जब पैसे लेके गाड़ी से नीचे उतरा मैं दुकान से बाहर आया, गाड़ी पे टेकी और एक सेकंड के लिए बात करी मैंने मेरे दोस्त, उतनी देर में थैली गायब हो गई। कितने पैसे? 3 लाख। सर, ये बिस्टान रोड पे एक बैग चोरी हो गया, क्या है? अभी बिस्टान रोड पे गौरव ट्रेडर्स के सामने एक मोटरसाइकिल पर आवेदक हैं, जिन्होंने अपना पैसों से भरा जो कपड़े की थैली थी उसको हैंडल पर टांगा था, इसी दौरान कोई व्यक्ति उनकी थैली निकाल के ले गया है, इसमें कैमरे देखे जा रहे हैं और फरियादी के थाना उपस्थित होने पर कार्रवाई की जाएगी। सीसीटीवी फुटेज आसपास के देखे जा रहे हैं, उसमें एक संदेह नजर आया है जिसको की तलाश की जा रही है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।